बिग बॉस कितना भी बोलो उर्फी आउट तुम बिग बॉस को बर्फी दे देना, मैं जाके कोने में छिप जाऊंगी, निकाल के दिखाऊंगी मुझे अभी यहां से। हां कैमरों की नजर, मैं कैमरों के तार उतार दूंगी। शमिता के गेम प्लान को कैसे देखते हैं? शमिता छुट्टी, शी इज इन लव। अभी उनका थोड़ा पनप रहा है, क्या पता हमें शादी देखने को मिल जाए बिग बॉस में। हो सकता है, माय गॉड ये इनके म्यूजिक की चालू हो गया। हाँ पता है, शमिता शेट्टी को राकेश बापट को प्यार हो गया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। बीच में वहाँ पे भी दिव्या टांग अड़ा रही है, दिव्या वहाँ पे टांग अड़ा रही है, तो ये पता नहीं कैसे उनकी लव स्टोरी पनपेगी बिग बॉस में। दिव्या को निकालो तभी कुछ। यू नो उर्फी, आई मस्ट टेल यू दैट दिव्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है, सबको डस रही है और सबके रिलेशनशिप में जा रही है, सबको लड़ा लड़ा के सबको भगा देगी, और एंड में जो फाइनल सलमान खान का बिग बॉस आएगा एंड में वो जाएगी। यहाँ पर सलमान खान उनकी बैंड बजाएंगे, सलमान खान समझ जाएंगे सबको। सलमान जी तो किसी को नहीं छोड़ते, चाहती हूँ सलमान जी तो। दिव्या तुम्हारा जहर ऐसे एड़ी के नीचे पैर में ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 तोड़ देंगे। ये जागे आगे आगे मत जा। हेलो, हाय मैम, उर्फी जी हाय, कैसी हैं? मिलिए बिग बॉस की उर्फी से। I'm very sad, Big Boss, कि उर्फी पहले हफ्ते में आउट हुई है। I'm really sad. Please put her again. Because she's very talented. राखी की तो बिग बॉस को सुननी ही पड़ेगी, है कि नहीं है? बिग बॉस मेरे पति है ना, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल करने को तैयार हूँ बिग बॉस के साथ। Oh God. मतलब तुम दिव्या अग्रवाल का काम करोगी? वो जैसे बीच में कबाब में हड्डी घुस जाती है दो लोगों के। यार मैं मसाला बनूंगी ना ऊपर से, हड्डी नहीं बनना है मसाला। ओके उर्फी जी, कौन परेशान किया आपको बिग बॉस हाउस में? सॉरी, ज्यादा कौन परेशान किया था आपको? दिव्या और जीशान और किसने, सबने देखा तो हुआ है यार, मतलब कनेक्शन ही तोड़ दिया, 3 साल की दोस्ती तोड़ दी उसने, फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है। कल जीशान भी निकल गए, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि भगवान है कर्मा। कर्मा भाई कर्मा, मेरी जबान बहुत ही, तो बच के रहना दुनिया वालों, मैं जो बोलती हूँ फिर तो लगता है लोगों को। हाँ बट जीशान ने तुम्हारा कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए था, आई फील। मैं उसके साथ एंड तक लॉयल रहती, दोस्ती निभाती यार 3 साल की। अरे तू, मैं तुम मुझे पहले मिलके जाते तो मैं तुझे बताती, अच्छा हलवा बना के जीशान को खिलाती तू। उसके कपड़े तो ओए होए, राहुल महाजन के कपड़े मैंने धोए थे, इतने गंदे, 100 सालों से उसके कपड़े नहीं धोए थे। जीशान के बाथरूम मैं नहीं धो सकती थी, ये तो सिर्फ राखी कर सकती थी, मैं नहीं उसके बाथरूम। बट देखो ना, दिव्या ने कितना अच्छा प्लान किया था, तुमने देखा उसको कैसे कनेक्शन तोड़ा और फिर तुमको घर से बाहर निकलना पड़ा। उसने एक तीर से 2 निशाने किए दिव्या तो है ही। दिव्या ने एक तरफ इसका कनेक्शन तोड़ा, फिर जीशान को पटाया, उसका कनेक्शन बनाया और इसको घर से बाहर कर दिया। वो उसका यही काम है, हर शो में जाके वो यही करती है, उसका बस लड़कों को इधर उधर ऐसे ही पढ़ाती रहती है। सो बट मैं चाहती हूँ बिग बॉस के उर्फी को 1 more chance मिले, शी शुड गो 1। आई मीन अभी वो जख्मी शेरनी है, जख्मी नागिन है, तो जाके अंदर बदला जरूर लेगी। बदला लेने वाला ही बाहर चला गया, किसके अंदर जाके बाहर आके बदला लेगी। हमारी सौतन भी तो है अंदर। हाँ उससे भी थोड़ा बहुत उसको डस सकते हैं जाके। जो मिस यूनिवर्स समझती है अपने आप को, वो मिस रियलिटी क्वीन अपने आप को समझती है। एक बार राखी सावंत से मिलाओ यार उसको, यहाँ पे है रियलिटी क्वीन, प्लीज टेल दिव्या। हाँ वो डसती है सबको, और कितना डस होगी यार, जहर ही नहीं खत्म हो पा रहा है, जो टंकी लेके आई है जहर की वो खत्म नहीं हो पा रही है उनसे, है ना? हाँ, चली रही है, आंसुओं की टंकी उनकी लगी हुई है और जहर की टंकी भी यहाँ लगी हुई है। बताओ अरे दोस्तों क्या मिस कर रहे हो यार, बिग बॉस देखो OTT पे जाके, 24/7 में आग लगी हुई है यार, जाके देखो। क्योंकि देखिए नो डाउट एवरीबडी इज प्लेइंग वेरी नाइस, बट आई एम अपसेट अबाउट ओके, तुमको इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं हम लोग बिग बॉस हाउस में चलते हैं, मैं वापस स्पाइडरमैन वाला ड्रेस पहनती हूँ, तुमको उड़ाती हूँ ऐसे, तुमको बिग बॉस हाउस में वापस डाल देती हूँ। मैं कुछ स्पाइडरमैन या मैं बैटमैन बन जाती हूँ, मैं कुछ तो दोनों बैटमैन चमगादड़ मैं स्पाइडरमैन और चमगादड़ बैटमैन, चमगादड़ आदमी नहीं, चमगादड़ वुमन। वुमन तुम चिपक जाना इस बार, जाके गेट से चिपक जाऊंगी, खोलो नहीं तो अब मैं नहीं निकल। बिग बॉस कितना भी बोलो उर्फी आउट तुम बिग बॉस को बर्फी दे देना, मैं जाके कोने में छिप जाऊंगी, निकाल के दिखाऊंगी मुझे अभी यहां से। हाँ कैमरों की नजर, मैं कैमरों के तार उतार दूंगी जाके। इस बार तो तुम प्रतीक को पटा लेना एकदम, क्योंकि नेहा बसीन का दिल अभी प्रतीक पे बहुत ज्यादा आ रहा है।
यहाँ को थोड़ा सा हमको खिसकाना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। अब आ रही है उर्फी वापस बिग बॉस में, आना चाहिए जरूर, आएगी। और मैं, मेरा पूरा एकदम ब्लड इसको मैंने डाल दिया इसके ब्लड में, और पूरा आशीर्वाद है, और पूरा एकदम अंदर जाके ना धमाका करेगी। करूंगी, इस बार गई तो बहुत बड़ा धमाका होगा, है ना, एकदम तोड़ फोड़, मतलब उस टाइप का तोड़ना मन, तो वापस वो जिशान की तरह दिमाग तोड़ूंगी ना सबके। हाँ, जिशान को देखा यहाँ एकदम खरोच वरोच देखी कितनी, एक खरोच आई है, थोड़ा नाटक ज्यादा कर रहा है, बट ठीक है, उसको बुरा लग रहा है, ऑल्सो फील बैड फॉर हिम। नहीं, बट बिग बॉस में अलाउड नहीं है ना कि ऐसे हाथापाई करना, एक दूसरे को मारना, डंडे झंडे पता नहीं क्या 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 तोड़ रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे एक दूसरे को, बहुत बुरा धक्का दिया, बट आई स्टिल फील बैड फॉर हिम जैसे वो निकला है। मतलब बहन मेरी नाक तोड़ी गई थी, मुश्किल से रिपेयर हुई है। मेरे पास वीडियो है, डॉक्टर के पास मैं गई थी फिर से रिपेयर करने, नाक तीन हफ्ते तक सूजी हुई थी नाक। बाप रे बाप, मुझे नाक तो नहीं तोड़वानी है, मैं थोड़ा सा दूरी रहूंगी सबसे। और गाइस कोई न्यूज बताओ? बस यही थी ब्रेकिंग न्यूज जिशान की। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज तो अभी हम लोगों ने दे दी, बट आप लोग सब लोग प्रे करो कि उर्फी फिर से जाए, और आप लोग एकदम आंदोलन कर दो मीडिया वालों। उर्फी के लिए बनता है, बिकॉज मुझे जब स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि उर्फी लंबी रेस की घोड़ी है, और वो जिस टाइप की कॉमेडी कर रही थी ना, मैं अपने आप को देख रही थी उर्फी में, और बस सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ। इवन विकास भाई ने बोला ना कि अभी विकास भाई से बात हुई, इवन ही वाज अपसेट के ही एक्सपेक्टेड कि मैं ज्यादा टिकूंगी, मुझे भी लगा था कि ये टिकेगी एंड तक, मुझे तो लगा था मैं जीती जाऊंगी यार सर, पर वे भी वहां पे मैनिपुलेट करते हैं वो दिव्या, कितना दिव्या और सब लोग कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं। अरे वो तुम्हें क्यों नहीं, इसको सब लोग रोक रहे थे, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, क्यों नहीं बोली? यार मैं यहां से डसने वाली नागिन हूं, मुंह से वो थोड़ा पूंछ से डसने वाली नागिन है ना, वहां थोड़ा गलती हो गई, मैं उसकी पूंछ नहीं पकड़ पाई। पिछवाड़े से डसना क्या होता है? हाँ भैया ये क्या था, बट ठीक है, अभी कभी कभी नागिन को डसने के लिए नेवला भी आता है, तो अभी उर्फी नागिन नहीं है, अगर दिव्या नागिन है तो उर्फी नेवला है। जाएंगे अब नेवला नहीं, शेर बन जाएंगे सीधे, शेरनी वहाँ पे जाके। हाँ, अगर गए फिर दिव्या देखेंगे। अभी होगा उर्फी और दिव्या का झगड़ा लफड़ा, नेवला नेवली और नागिन का, नेवली का बदला ना नागिन का बदला इस बार। अब कलर्स पे नागिन वागिन नहीं, नेवली आएगा। हाँ, इच्छाधारी नेवली। हाँ, इच्छाधारी नेवली हो गया, नागिन का खत्म। ओके चलो, एक एक फोटो कर दो नागिन हमारे से। सुन पीछे रख, पीछे कैमरा पीछे रख। मैं जिशान को कब से फोन कर रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ फोन बंद करके डिप्रेशन में बैठा हुआ है। और मुझे तुम्हारा दोनों का पैचअप करवाना है। हाँ करना है। हाँ, तो तुम दोनों को मजा आएगा जब तुम दोनों वापस अंदर जाओगे एक साथ, एक साथ, और सबको फेंक दोगे। सुसाइड करने जा रहे थे क्यों? तो अरे सुसाइड क्यों करना, करो ना, तो तुम्हारे घर में नहीं आता, सबके घर में आया था, सबके घर में है, तो सुसाइड क्यों करना? एक ही जिंदगी है बेटा, एक ही जिंदगी है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है। करो ना, आया भी और चला भी गया मुंह उठा के, तुम बचे हो, ईश्वर को शुक्रिया अदा करो, है कि नहीं बेबी? सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो ऑप्शन हमेशा है ना आपके पास, मतलब वो कभी भी कर सकते हो, पहले ट्राई तो करो जिंदगी। ये करो, ये करो, पहले ये करो, तंबाकू देखो, तंबाकू देखो, देखो दोस्तों देखो, ये करो, ये देखो, ये करो, ये करो, ये करो, तंबाकू देखो कितना कर रहा है, तुम कितना, ये क्या क्या पैसा, अच्छा कितना पैसा चाहिए और क्या करोगे? दुकान चलाओगे कि दारू पियोगे और ड्रग्स लोगे? पक्का सच बताओ? पक्का वादा? तंबाकू खाते हो? नहीं नहीं, तंबाकू भी नहीं खाना है ना, काम तो कैमरा बीच में है, पीछे है। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, यहाँ के वॉचमैन को होगा ना, उसका नंबर दे दूंगा। मेरा ड्राइवर है राम से मिला देना जरा दोस्तों। हाँ मैम, ठीक है ना। हाँ, वो हम जितना आपसे मदद हो सके, पहले मैं आपका बैकग्राउंड चेंज करूँ, चेंज नहीं चेक करूँगी, समझ गए? क्योंकि मैं पैसा दूंगी, बट अंधी होकर पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ, पहले देखूंगी कि आप पैसे का इस्तेमाल सही करोगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को जॉब लगा सकती हूँ, पैसा दे के उसके आदत बिगाड़ नहीं सकती हूँ मैं, कि तुम आज आपने मेरे पास मांगा, किसी कल किसी और के पास मांगोगे, नहीं है ना, बट हम आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए यार। आई फील लाइक ठीक है, मतलब बेचारा उसको भी तो बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं दोस्त तो था मेरा, तो आई जस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है, पर अभी भी वो बैकग्राउंड में मेरे म्यूजिक चल रहा है। ये तो सच है कि भगवान है। हाँ, बिकॉज जिशान ने पूरा कनेक्शन तोड़ दिया था और पूजा, सॉरी दिव्या अग्रवाल, पूजा बोल रही हूँ, पूजा करने के लायक ही है, दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन जोड़ा, तो इसके साथ नहीं, उर्फी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए था कनेक्शन, आज वो आउट नहीं होती। एंड बिकॉज इसमें इतना दम है कि वो एंड तक रहती, ये राखी सावंत कह रही है, तो ये इनकी बात मानोगे। हंड्रेड परसेंट ये तो कोई डाउट की बात नहीं है, शो पूरा कनेक्शन के ऊपर है। मैं नॉमिनेट ही उसकी वजह से हुई थी, अगर मैं नहीं होती तो मैं अब तक घर में ही होती। 110% दिव्या ने इसके पर पूरा जादू किया, डसा है और पूरा षड्यंत्र रचा के उर्फी को आउट किया है। पूरा षड्यंत्र रचा उसने, जीशान को अपने वो डोरे जो डाले ना और खींचा, उसके बाद तो मैं फिर मुझे वहां से खींच लिया गया। जीशान से बात हुई आपकी बाहर निकलने के बाद? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, मैंने फोन किया था, बट अभी पता नहीं डिप्रेशन में है, सैड है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके बॉडी पे चोट आई है, वो अभी 2 दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद वो मुझसे बात करेगा। लेकिन लेकिन लोग कहीं ना कहीं ट्विटर पे कई फैंस ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सीजन में बहुत ज्यादा मतलब वो वाइल्ड होकर उन्होंने धक्का भी दिया, पुश भी किया, उनको ने निकाला, जीशान को निकाल दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहते हैं देखो बिग बॉस पे अपना है, बिग बॉस की आंखें जो है ना वो कुछ नहीं छुपता है। बिग बॉस ने देखा है किसने क्या मारा, वो जूम कर 10 बार नहीं 100 बार जूम कर करके देखते हैं कि किसका कसूर अगर है। इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो देख के ही लिया। बिग बॉस का डिसीजन परफेक्ट होता है। बट अभी वो आज एपिसोड देखो ना आप लोग, मैं चाहती हूँ देश की जनता आज एपिसोड देखे, वो डाउनलोड करो और बिग बॉस ओटीटी पे जाओ और देखो कि क्या धमाल हो, क्या मारा मारी हुई, झंडे तोड़ गए, डंडे तोड़े गए और कितनी चोटें लगी, हाथ पैर भी तोड़े गए, लिटरली वो निशान मैंने कल लाइव पे देखा था। बट बिग बॉस ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच समझ के लिया। बिग बॉस का डिसीजन गलत कभी नहीं होता है, बिग बॉस सब देख रहे हैं भाई। अब जीशान तो आ गए, अब किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं तो प्रतीक को ही सपोर्ट कर रही हूँ ऑलवेज। प्रतीक आई थिंक ही इज अमेजिंग, ही इज वंडरफुल, वो बहुत सही खेल रहा है। प्रतीक नेहा बसीन जो प्रतीक पे पूरे डोरे डाल रही है और यहाँ पे उर्फी का दिल जल रहा है बहुत ज्यादा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा दिल किस साइड है क्योंकि जलन इतनी ज्यादा हो चुकी है। उसने प्रतीक अपने एप्पल अपनी बॉडी पे लगा लगा के नेहा बसीन को दिया और नेहा बसीन वो एप्पलों का जूस पी रही है और छिलके उर्फी को दे रही है। नहीं नहीं, मतलब छिलके भी नसीब नहीं हुए, मतलब छिलके तक नसीब नहीं हुए, वो छिलके भी निकल गई नेहा। लेकिन तुम्हें जाना है बिग बॉस में, एप्पल वेप्पल जूस वो छिलके सब छीन लेने हैं। अरे नेहा के भी छीन लूंगी मैं। सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रहने दो ना। आई कांट से एनीथिंग, आई एम सॉरी। तो ओके, अगर इस बार अगर अंदर गई तो अंदर की स्ट्रेटजी क्या होगी? वो यहाँ कैसे बता दूं मैं फिर तो आपको। अभी क्या बोला? सरप्राइज, वो भी सरप्राइज ही रहेगा। अब ये जख्मी शेरनी, जख्मी नागिन, जख्मी चमगादड़ है तो सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर ये अभी अंदर गई तो सबकी बैंड बजा देगी, खटिया खड़ी कर देगी। पूरे के पूरे राखी ने मुझे ट्रेन कर दिया है, तो अब जो मेरा जखन पे मुझे कैसे वो लगाना है ना अपना, ऐसा ट्रेन कर दिया है कि अब ना रुकने वाली ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन बन चुकी है, अभी उड़ भी जाएगी ये ट्रेन, आप देखना। थैंक यू सो थैंक यू। आ जाओ मैडम।